Nine class. Yes, ma'am. चलिए दो तीन मिनट वेट करते हैं, अभी और आते हैं ना, पूछो टाइम है इस तरह में 2 और मिनट, बिकॉज़ वी विल स्टार्ट अवर क्लास एट 11:40. अगर बैठ गया तो आप लोग टेंशन नहीं ले लेना, यार थोड़ा नेट ऐसा प्रॉब्लम है. आप देन यू विल जॉइन बैक. अगर नेट ब्यूट हो ना 9th क्लास, ये नहीं समझ लेना क्लास खत्म हो गई, आई विल स्टिल जॉइन बैक, क्योंकि ओके नेट में मैम. थोड़ा इश्यू है आज. ओह माय गॉड, प्लीज आई वेंट इन. क्लास आना, यू कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आया आज क्लास में? बुक चलिए 9th क्लास आपका हो गया, कंप्लीट हो गया ना आपका टेंसेस का होमवर्क, किया है उसका? किया? यस मैम. अच्छा ठीक. अब मुझे एक बात बताइए, जो मैंने आपको परसों होमवर्क भेजा ना उसका, हैप्पी प्रिंस का वगैरह, तो अच्छा ना बुक वर्क, वो आप खुद करोगे कि मैं वो फॉरवर्ड करूंगी आपको? मैम खुद करेंगे. चलो अगर मुझे पॉसिबिलिटी, आई विल सेंड दैट आल्सो. मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको सारे भेजे हैं उसके, जो 2 चैप्टर्स आपने किए थे. मैंने आपको इसके हवा क्लाइंट वो सेव्ड मैंने भेजे उसके. तिया 9th क्लास. मैम एक मिनट में चेक करती हूँ. आप चेक करो बेटा, मुझे बता दो. मैं वन सब मैंने बोलो बेटा. मैम शायद आपने नहीं किया ऐसे. किसके क्लाइंट? ये सब इसमें है ही नहीं. मैं वैसा मैं कह रही था ग्रुप में है ही नहीं. चलिए मैं फिर से एक बार रिसेंड कर देती हूँ. ठीक है? ठीक है ना बेटा? ओके मैम. चलिए जरा देख लीजिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. ठीक है, इसको देख लीजिए. मैंने ऑलरेडी शेयर किया आपको, ये देख लीजिए ध्यान से. अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन आइदर बी एक्टिव और पैसिव. व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब? अ ट्रांजिटिव वर्ब इज द वर्ब जिसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है. आप अपने वर्ब को 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं. बर्ड्स फ्लाई, सिंपल. दैट इज बर्ड्स फ्लाई. हियर इज सब्जेक्ट एंड द वर्ब. इस सेंटेंस में अगर मैं इस तरीके से इस सेंटेंस को लिखूंगी, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, दैट मींस कि मेरे सेंटेंस में बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई के बाद आपका क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट. कहां पर फ्लाई करते हैं? स्काई में. दैट्स व्हाई ही सेज कि ट्रांजिटिव. आपके पास वो वाले वर्ब होते हैं इन ट्रांजिटिव, ये मन पत्न ऑब्जेक्ट ये वर्ब नहीं छू. ठीक है, स्माइल्स जैसे है तो उस पर आप नहीं आता है. ये डिपेंड करता है आप वर्ब को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. एक्टिव वॉइस तो आपका क्या होता है कि जो एक्टिव वॉइस क्या चाहिए,
when the subject of verb is doing the action, you say that the verb is in the active voice. कि active voice हो गया कि जब आपका subject पहले आएगा, structure of sentence होगा subject verb तो object. SVO, subject verb and object. अगर इसी को vice versa करेंगे तो वो passive बन जाएगा. लेकिन जब SVO, subject verb, object आ structure sentence, that's when I ask you active voice. जैसे नीचे जितनी भी examples दी है वहां पर subject फिर verb फिर object है. Kashmiris eat rice, Rajinder read the novel, she is telling वगैरह. इसका structure यही है. द सब्जेक्ट जो काम करने वाला है वो डूअर, वो काम करता है, एक्शन करता है, वो पर्सन है, थिंग है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या. और ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर काम करता है. मैंने ऑलरेडी बोला ये जो ये वर्ब है जो हम लोग वर्ब कह रहे हैं ये ट्रांजिटिव है. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ऐसा काम कमिस्पेक्ट आई कर्न फाइल फैल मफूल के काम करने वाला किस पर काम किया गया. ठीक है, कैट ने पकड़ा जिसको हम ऑब्जेक्ट करते हैं, जो आंसर करता है क्वेश्चन व्हाट को. कैट हैज कॉट, लेकिन किसको पकड़ा, रैट को. बिमला ब्रोक, तोड़ा क्या, द वेस. ठीक है, दैट आंसर्स द क्वेश्चन. ओके, लेट्स पुट द सेंटेंस इन द टेबल. अब यहाँ पर इसने टेबल बनाया है, सब्जेक्ट डूअर, एक्टिव वर्ब हो गया जो वर्ब इसका मेन है, ऑब्जेक्ट का काम किस पर किया. Kashmiris eat. अब हमेशा काम करते नहीं है. It answers. Object also tells you what. क्या करते हैं. Kashmiris eat. क्या खाते हैं. What Kashmiris eat? Rice. क्योंकि अगर आपको याद होगा हमने आप पढ़ा था कि the question that answers what is an direct object or indirect. आपने object में पढ़ा था. Rajinder read. What Rajinder read novel. ये समझ आ रहा है ninth class. Ninth class. Yes, ma'am. जी मैम. ओके, तो यहाँ पर ये जो है कहीं पर हम एक्शन कर रहे हैं वो सुच पर इसका रंग कि विमला ब्रोकते हैं क्या फुटरो वॉस. That's it. We use passive sentence when we put emphasize the effect of an action and when it is not important to mention who the doer of the action. We do not know who does the action. इशिक पड़ा कहावत ये मैं वानों ना सके जब कोई चीज़ ये फुट मेरा स्ट्रेस सेंटेंस में घर में है पायलट फुट. मैं कन्वे करना चाहती हूँ कि टूट क्या, एक्शन हुआ क्या, पायलट फुट. अगर मुझे बहन को डांट पिटवानी है मैं तब एक्टिव में बात करूंगी कि मेरी फलानी ने पायलट तोड़ा. सो इट डिपेंड्स अपॉन द कि आप कोशिश पड़ी स्कूल चीज कहाँ चीज बनना उन सुन रुनमुत हा. दैट्स अ सिंपल आंसर कि हमने हा पकाया. ये सिंपल सेंटेंस है. अगर मुझे इसका उल्टा चेंज करते चाहिए हाक रून म्यान बेने दादा. सो द स्ट्रेस गोज फ्रॉम कभी जब आपको स्ट्रेस इस बात पर लाना हो कि काम किसने किया तो तब आप क्या लाते हैं, तब आप करते हैं काम एक्टिव. जब आपको काम करने पर कि गो क्या, देन दैट्स अ पैसिव. ठीक है ना, आपको किस चीज को उबारना है, काम करने वाले को कि काम किस पर किया गया, दैट डिपेंड्स ऑन. अब देख लीजिए, अब इसका उल्टा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा आप टेबल देखेंगे, कश्मीर द राइस इज ईटन बाय कश्मीर. देयर इज अ चेंज इन द वर्ब. इसमें ऑक्सिलरी लगा है जबकि वर्ब का जो प्रेजेंट छू इच प्रेजेंट इज से आपको लगता है कि वर्ब छू प्रेजेंट इज. लेकिन स्ट्रक्चर हैज बीन चेंज. वहां ईट है, यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. यहाँ पर रेड है, Rajinder read the novel. चूंकि रेड इज द पास्ट बट यहाँ पर द ऑक्सिलरी सेकंड अगर पैराग्राफ में देखेंगे ऑक्सिलरी पहले में ऑक्सिलरीज नहीं है लेकिन देर आर ऑक्सिलरीज बट द टेंस इज सेम. समझ आ रही है बात. और व्हाट इज देयर बाय, आप देखेंगे जब हम पैसिव में लाते हैं एक तो बाय का इस्तेमाल होता है और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब इज चेंज्ड जबकि टेंस टू टी रोज बट इसमें ऑक्सिलरीज लगते हैं. समझ आ रहा है नाइन्थ क्लास. यस मैम. What was your transformation of active voice into the passive voice? Passive verbs are made up of two main parts. Achiz asam be plus past participle. Past participle kya wo? Last form of verb en ya jo last form of verb hota hai. Achutasit auxiliary lagam. Be stands for auxiliary. Is, was, when, has, had, wagera usi ke related. Theek hai? Beju lagam by. Ye samajh aaya? Yes ma'am. Okay, now let's see the second part. No, it's somewhere. I just
ओके ओके सी इट हियर नाउ यू कैन जूम इन एंड आप जूम कर लीजिए तो ऑब्जेक्ट इसमें चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है. ओके अब देख लीजिए इंट्रांजिटिव मीन्स या सब्जेक्ट उसमें ऑब्जेक्ट आज कहीं सो मैं हैकन बने विथ स्पैस्यू कहीं ताक क्या लगा होता है बदल तो वही कहता है कि इंट्रांजिटिव हम लोग नहीं बना सकते हैं उसको क्या कहते हैं उसको पैस्यू. अब देख लीजिए सब्जेक्ट वर्ब इन द एक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्ट बाय फिर चेंज हो जाता है इसका बाय लग जाता है जब पैस्यू में बनाते हैं. अब देख लीजिए अगर इस प्रेजेंट टेंस टू तेल गैस ऑक्सिलरी थी प्रेजेंट टेंस है साहब पास पार्टिसिपल तो वर्ब का लगेगा ही लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर सब्जेक्ट आफ छू तेल लगे इज बे लगे पास पार्टिसिपल ऑफ वर्ब अगर वारिया छू तेल लगन आर ठीक है ना उसी तरीके से तो दैट मींस आपको वर्ब को मध्य नजर रखना है कि अगर प्रेजेंट छू तेल लग प्रेजेंट ऑक्सिलरी अगर पास्ट छू तेल लग पास्ट ऑक्सिलरी वर्ब ठीक है. Whatever may be the form of the verb in the active voice, only the past participle is used in the passive voice. कि verb का कोई भी form क्यों ना आप इस्तेमाल करें active में लेकिन उसका जो passive में verb का form है वो change हो जाएगा help का हो जाएगा helper. इसी तरीके से red का ये जो eat हो जाएगा वो eaten. That is the last form of verb change हो जाता है passive में और उसके आगे auxiliary लगता है. ओके द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स वो ऑब्जेक्ट बनता है ऑफ अ प्रीपोजिशन उसमें बाई लगता है वो आपको पता ही है. इफ देयर इज नो सब्जेक्ट अगर नहीं सब्जेक्ट की ही सेंटेंस इट्स नॉट एक्सप्रेसन एज एन एजेंट इन द पैसिव वॉइस तो फिर इसका देन वी देयर इज नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंस एट ऑल इट्स नॉट एक्सप्रेसड एज एन एजेंट इन द पैसिव वॉइस तेल चुना मतलब एजेंट वाले लिखने के ही वी विल कम टू दैट वी एग्जाम्पल्स आपको समझ आएगा. अब देख लीजिए यहाँ पर इसने चेंजेस दिखाई है इस टेबल में कि आप देख लीजिए टेंस किस तरीके से चेंज हो जाता है प्रेजेंट चुका सा पास्ट टेंस फॉर एग्जांपल आई हेल्प हिम तो इसका उल्टा हो जाएगा हिम का आपका जो यहाँ पर हिम इस्तेमाल हुआ है आपका ऑब्जेक्ट तो इसका क्या आएगा इसको अभी नहीं देख लीजिए खाली वर्ब की चेंज उसको आप देखेंगे हम सब्जेक्ट को कुछ नहीं जो वर्ब को चेंज आती है वो हमें यहाँ पर देखनी है. हेल्प इज कन्वर्टेड इन टू हेल्पर तो नीचे देख लीजिए नीचे इसका लिख रहा है आई हेल्प हिम वन अगर हिम छू ये इतना लिखे मैं आप देख रहे हैं ना कहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कंफ्यूजन मा चुका सब कुछ टेबल से इस्तेमाल करा नाइन्थ क्लास यस मैम कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा मैं कौन सा टेबल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं निशान मारती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि मैं कौन सी एग्जांपल दे रही हूँ ये है ना ये कुछ नहीं आई हेल्प हिम बच्चों ने ही हेल्प हिम मैं यही कर रही हूँ डिस्कस बच दबा गुड आई हेल्प हिम अगर इसे कन्वर्ट करो कथ मज पैसिवस मज हिम गज कन्वर्ट हीस मज हेल्प कुछ टेंस तला वन यह प्रेजेंट टेंसस मज तव ही इज हेल्पड बाय मी समझ आ रही है बात नाइन्थ क्लास यस मैम पास्ट में फिर बनता है ना कौन बनता है पास्ट में ही इज हेल्पड बाय मी पास्ट व्हिच इट कैन शुन पास्ट समझ बना बस समझावट आपका वर्ब चेंज हो जाता है पास्ट में लेकिन आपकी ऑक्सिलरी जो है इज टू नॉट डिनोट करा इज प्रेजेंट एम होने से गॉड ने थी कि वर्ब भाषा कैसी चेंज वर्ब बस इज अ कुछ फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पास्ट परफेक्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज लेकिन जो तुम्हें वर्ब दिखा रहा है दैट इज वाज वेयर ये ऑक्सिलरी तुम्हारा टेंस बता रहे हैं ना ही इज हेल्पड बाय मी समझ आई बात यस मैम बाबूज दईम आई एम हेल्पिंग हिम ये कौन सा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस आई एम हेल्पिंग हिम अगर इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट में I am helping him. He is being helped by. नहीं नहीं इसका ये present continuous है इसने हाँ हाँ बस बात करना direct indirect word. He is being helped by me. तो being लग गया continuous के बदले he is being helping change हो गया helped में by me. दूसरा देख लो फॉर एग्जाम्पल इसी के साथ वाला है he was helped by me. Past tense which you got which you past. He was helped by me. अगर इसको करेंगे सॉरी पास्ट टेंस का ऊपर देख लो आई हेल्पड हिम
ये टेबल थोड़ा इस तरीके से है, मैं इसका वो स्ट्रक्चर बना देती हूँ आपको। इशू प्रेजेंट, ये इतना प्रेजेंट टेंस ऐसे है, प्रेजेंट टेंस इतके, पास्ट टेंस इतके, स्टेबल हिसाब कर, फ्यूचर टेंस इतके। समझ आया? सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ। आई हेल्प हिम, ये कन्वर्ट हो गया। ही इज हेल्प्ड बाय मी, हेल्प को चेंज, हेल्प्ड इज बेलोक ऑक्सिलरी इज। वन चू पास्ट टेंस, पास्ट टेंस जो आई हेल्प्ड हिम गो ऑलरेडी चु ईडी हेल्प्ड, अति गस चेंज कहीं, अति वर बराबर तथे कन, अति खाली ऑक्सिलरी वाज, ही वाज हेल्प्ड बाय मी। समझ आई बात? ठीक है, समझ आई? यस मैम। थर्ड वाला देख लो, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस जो आई शेल हेल्प हिम। अब आई है ना, तो आई के साथ शेल लगता है, ये लेसन बना वो पास्ट यू, ही ऐसी थी ना विल, तवे को चेंज, ही विल बी हेल्प्ड बाय मी। समझ आई बात? हेल्प को चेंज वापस, हेल्प्ड बी, हेल्प्ड मस शेल बदली विल बी। समझ आया बेटा? ये फिर हम अलग अलग पढ़ेंगे, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ, ये दिखाने के लिए फिलहाल इसने लिखा है, पता है स्ट्रक्चर सॉरी अलग। पचू कंटिन्यूस, I am helping him, तो वापस वहां पर हो जाएगा he is being helped by me, तचुआ being बेवा being लगा था इतना। दहीम चुपत past, ये देख लो past continuous, I was helping him, ताकि he was being helped by me, क्योंकि he के साथ was लगेगा पता। I shall be helping him, इसका कोई भी past, क्योंकि I shall be helping him, ये already किस में है, आई शेल बी हेल्पिंग हिम, आज यू शेल बी हेल्पिंग, इसका कुछ नहीं, इसका नहीं बनता है। तो दैट इट, लेट अस सी वन। अब हम क्या करेंगे, हम अलग 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 तो लो अकक वर्ब तो पूछो कि कितन क्या चेंज है आसान। ये समझ आया? इतने से तो थोड़ा कंफ्यूज सोचो मन टेस्ट तो पा नहीं थे कि दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। Now let us see simple present tense. है सबको दिख रहा है बेटा? Yes ma'am. Now let us study simple present tense. जो आत्मा जो करने auxiliaries याद था, उन तीन क्या चीज़? Is जो am जो are जो plus जो past participle. ये किसका देखना है आपको? Active passive voice का। आप वो tenses का नहीं लाइएगा, दिमाग में लाइए active passive का। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर आपको पैसिव बनाना है तो आप इस भी लगा लेंगे, एम भी लगा लेंगे, आर भी लगा लेंगे, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, देन इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल, ही मेक्स दिस ड्राइंग, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, दिस ड्राइंग इज बीइंग, इज दिस ड्राइंग इज मेड, दैट मीन्स चूंकि थर्ड पर्सन है उसके साथ इज लगेगा, दैट ड्राइंग, दिस ड्राइंग इज मेड, मेड को कन्वर्ट मेड एस मींस By him, farmer grow wheat. अब इसी को चेंज करेंगे, wheat is grown. Grow चेंज हो जाएगा grown में, that is past participle में, grown बे लगी by farmers. अब इसी का interrogative देखेंगे, interrogative कैसे चेंज हो जाएगा? यहाँ इसने दिखाया है, does he teach you? Change के उल्टे, उसके लिए Does he teach you? Does है ना he के साथ, तो you लगेगा, इसने you में देखा है, आप इसकी तरफ ना मत जाइए कि auxiliary क्या लगा है, खाली verb की तरफ देख लीजिए। Teach का नोट होता है taught, are you, चूंकि present tenses में does he teach you, तेल गैसी तेल लगी, according to the you के साथ auxiliary are लगता है, तावे तेमी ही सब लगी, are you taught by him? इसी तरीके से do you want it? अब आपका ऑक्सिलरी क्या है, अब आपका सब्जेक्ट है इट, तो इसीलिए इसके साथ लगेगा इज, इज इट वांटेड बाय यू। आपको देखना आप सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी लगेगा, डू डज काटेगा हर एक जगह, वे डू यू, अब खाली क्या डू डज में ऑलरेडी ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी डू डज, तो इसके बदले फिर ऑक्सिलरी ही लगेगा। वायर डू यू कीप बुक्स, अब इसको चेंज करेंगे, वायर डू रोज वापस, इसमें कोई चेंज नहीं लगेगी, वायर रोज वापस, फिर सब्जेक्ट जो उसके बाद आता है वायर
आर योर बुक्स, बस उल्टे वापस बुक्स ले लेंगी, बुक्स इन गॉडनेथ वेन, वेयर आर योर बुक्स कैप्ट बाई यू, ये छोटो फिलहाल क्वेश्चन कैसे करना है, फिलहाल आप लोग दिमाग रखेंगे टेंसेस की तरफ पे, बात ये सो वो हम खुद देखेंगे एंड में, वो मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगी, फिलहाल के लिए आप खाली मुझे देख लो, मुझे देखो कि मैं आपको बता रही हूँ प्रेजेंट टेंस सिंपल सेंटेंस का समझ गए कन्वर्ट, फिर ये समझ आ गया, इंट्रोगेटिव को फिलहाल मत देखो, फिलहाल आसान से देख लो एसर्टिव सेंटेंस का समझ गए चेंज, इंट्रोगेटिव बाद में देख लेंगे, ठीक है। नाइन्थ क्लास, ओके मैम, अब देख लो दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मींस क्या गाइस, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इज एम आर प्लस बीइंग जो है दैट इज एम आर प्लस कंटिन्यूएशन ऑफ गो कंटिन्यूअस मींस लाइक बीइंग बी लाइक बट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, शायान इज मेकिंग अ काइट, अगर करिए चेंज अ काइट इज बीइंग ऑलरेडी शुना मैम हेयर स्ट्रक्चर समझो मत, मैं शु अकई काइट थर्ड पर्सन गो अ काइट तवे लाइक मैं इज A kite is being make a change made us must by Shayan. She is not taking the test. अब मुझे इसको बनाना the test is not being taking a change taken us must is not being taken by her. अब है ये are you telling the truth? इसको छोड़ लो, ये अभी कंफ्यूजिंग है मुझे, ये बिल्कुल भी आपकी ग्रामर में ये चीज पसंद नहीं आई, यू शुड डायरेक्टली करा इस्तेमाल, यहाँ पर ऑक्सिलरीज में कुछ ना कुछ चेंज है वो यहाँ पर नहीं लिखी है, सो आई विल जस्ट शिफ्ट विद अ सिंपल एसर्टिव चेंज, ठीक है, इसका एक अलग रूल लगता है वो ऑलरेडी इसकी छोटे वाले ग्रामर पे है जो मैं इंशाल्लाह कल, फिलहाल के लिए आप ये देख लो इंट्रोगेटिव में कल आपको सिखाऊंगी, उसके लिए पहले आपको ऑक्सिलरीज देखने हैं, ठीक है, इसमें क्या कंफ्यूजन। Okay, now see the simple third, that is simple assertive sentence. She has, abhi hame present perfect kitne she has made a mistake. So has change ho jata hai, have, has been plus third form of verb. Suchima paane vishne ki has lagi, she has such lagan third person usme se has to plural they ke saath lagta hai have. जो plural होगा बहुत ज्यादा होंगे इतने farmers तो ताकि कुछ लगा have तो इसी तरीके से क्या बनेगा have plus has plus been लगेगा plus लगेगा past participle for example she has made a mistake मंच में ही convert करना a mistake has been क्योंकि एक ही mistake की बात कर रहे हो ना singular है ना इसलिए has लगेगा a mistake has been made वापस ही लिखा है made वैसे ही रहेगा a mistake has been made by her they have made क्योंकि ये शब्द है ऑलरेडी पाई के हैज और हैव के साथ आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगता है तो इसलिए ऑलरेडी वर्ब चेंज क्या थर्ड फॉर्म ऑलरेडी तब वर्ब कुन ही रोजा इतना दे हैव मेड दैट डॉल अब देखो द डॉल एक है द डॉल हैव नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो गया सिंगुलर बन गया द डॉल हैज बीन मेड बाय देम समझ आ रहा है नाइन्थ क्लास नाइन्थ क्लास यस मैम जहां कंफ्यूजन है वहां बोलो मैं आई एम ये मैं सम मुझे तो खुद को आता है या आप लोगों को सीखना है इफ आई एम कहीं पे समझ नहीं आया डू टेल मी आई विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर बताइए बनिशा गोब्रियो समझ आया नाइन्थ क्लास असला समझ आया जी मैम अच्छा सीरत समझ आया सीरत सुन पाई सूफी महरीन समझ आया जी मैम आप देख लो क्या है फिलहाल के लिए व्हाट इज असर्टिव सिंपल सेंटेंस उसके लिए आप टेंसेस के स्ट्रक्चर याद करोगे कि सिंपल टेंस किसमें है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये आप याद करेंगे तब जाके आपको याद होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज किसमें होगा दैट इज एम आर प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें हर एक जगह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है समझ आई किसका लर्न करना है
इसको लर्न ऐसे करना है कि आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि अगर आपका पैसिव में आपको सिंपल कन्वर्ट करना है तत्कत्र क्या स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट पार्ट्स पर मत करो, वो पता ही है आपको. दैट मीन्स इज एम आर कंटिन्यूअस के बाद क्या आएगा, इज एम आर प्लस बींग लगाना है. ये मुझे तो ये थे कहीं याद करने के नाम स्ट्रक्चर शिद्दित में. पास्ट परफेक्ट के ही है प्लस हैज प्लस बीन, समझ आई बात, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब टेंस चेंज ऑटोमेटिकली पाया सिंह की मैं क्या स्ट्रक्चर रोज मैं क्या हिसाब रोज उठा. ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा. इंट्रोगेटिव कर पाएगा इंशाल्लाह. इंट्रोगेटिव अलग से है, उसमें टाइम लगेगा इससे ज्यादा. ठीक है चलिए ओके, अल्लाह हाफिज. ये आज लर्न करना, मैं कल सुनाऊंगी और कल का होमवर्क मुझे इस पे फॉरवर्ड कर लो व्हाट्सएप पे. ठीक है चलिए ओके, अल्लाह हाफिज.